एम्फीबन एम्ब्रोलॉजी मोरुलेशन एंड द बलास्टोलेशन फर्स्ट था कॉन्टेंट्स मोरूला फॉर्मेशन ब्लास्टोसील फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोला तो फर्स्ट था स्टेज। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जाइगोट जैसी स्किलीविज के प्रोसेस से आगे प्रोसीड करेगा इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग जयगोट की डिवाइड डिवाइड करने से टू सेल्स फोर सेल एट सेल्स स्टेज जब आएगी तो अल्टीमेटली वी विल हैव आ बॉल ऑफ सेल हमारे पास बहुत सारे सेल्स का एक एग्रीगेट बन जाएगा शुरू में जो सेल्स होंगे इट विल बी इन दी फार्म ऑफ आ सॉलिड बॉल ये एक सॉलिड बॉल की शक्ल में होंगे इनके दरम्यान में कोई स्पेस मौजूद नहीं होगी आमतौर पर जब सेल डिवीजन या क्लीविज के रिजल्ट में हमें जो सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स मिलता है या बनता है दैट इज़ कॉल द देट इज़ एक्चुअली कॉल द मोरूला तो मोरूला की पहचान यह है कि इसके अंदर किसी तरह की जो है वो कोई कैिटी मौजूद नहीं मोरूला के अगर सेल्स को हम जोर जो से देखें हैं में तो जो एनिमल सेल पोल के सेल्स होंगे मोरूला में दे आर लिटिल बिट स्मॉलर वो स्मॉलर साइज़ के होते हैं जबकि वेजिटेबल पोल के सेल जो होते हैं वो थोड़े लार्जर साइज के होते हैं उसके सिंपल रीज़न ये है कि एनिमल पोल में चूँकि योग की अमाउंट कम होती है तो इस वजह से वहाँ सेल डिवीजन जो होती है रैपिड होगी जबकि वेजिटल पोल में चूँकि सेल डिवीजन स्लो होती है योग की वजह से तो स्लो सेल डिवीजन की वजह से वहाँ कम सेल डिवीजन होंगी जिसकी वजह सेल का साइज क्या अल्टीमेटली बड़ा होगा तो इसका मतलब ये हो कि एनिमल पोल में सेल डिवीजन ज्यादा होंगी और ज्यादा सेल डिवीज के सेल्स जो स्मॉल साइज के हो जाएंगे जबकि वेजिटेबल पोल के साइड के योग की वजह सेल डिवीजन की रफ्तार स्लो होगी एंड वी विल हैव लार्जर सेल्स एट द वेजिटेबल पोल तो मोरूला स्टेज के बाद नेक्स्ट वन अब मोरूला में सेल्स के दरमियान कोई तरतीब नहीं है वो बेसिकली एक एग्रीगेट ऑफ सेल्स हैं मोरूला स्टेज के बाद द सेल्स बिगेन टू फॉर्म बिगेन टू अलाइन दैम सेल्स सेल्स अपने को क्या करेंगे अलाइन करना शुरू कर देंगे और सेल्स के दरमियान में एक कैविटी अपीयर होगी आमतौर तो पर ये कैविटी फ्लूड फील्ड होती है इन लिक्विड फील्ड होगी और सेल्स इसके गिरद क्या करेंगे बाकायदा अपने लेयर्स बनाते हैं जो कैविटी बनेगी इट इज़ एक्चुअली कार्ड द ब्लास्टोसील और इसके जो सेल्स ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनेगा ब्लास्टोसील सेल्स की सारी लेयर्स जो हैं इस स्टेज के ऊपर एम्ब्रियो को हम ब्लास्टूला का नाम देते हैं तो ब्लास्टूला स्टेज के ऊपर अगर हम इसमें देखें तो जो ब्लास्टोसील मौजूद होगी और सेल्स जो हैं बाकायदा क्या होंगे कि उसके गिरद लेयर्स की फार्म में अरेंज होंगे अच्छा यहाँ अगर हम ब्लास्टूला स्टेज को कंपेयर करें अकाइनोडर्म्स के साथ तो अकाइनोडर्म्स का जो ब्लास्टूला होता है उसमें से ब्लास्टोसील के गिरद सेल्स एक सिंगल लेयर बनाते हैं जबकि इस केस में एम्फीबियंस के केस में ब्लास्टोसील के गिरद सेल्स की जो लेयर्स होती हैं वो मल्टी लेयर सेल्स होते हैं जिनके मल्टी लेयर्स जो हाँ बनती है बनती हैं और दूसरी खास बात यह है कि जो ब्लास्ट एम्फीबियंस के अंदर जो ब्लास्टोसील बनेगी इट इज़ टू वर्ड्स द एनिमल पोल ये बिल्कुल दरम्यान में नहीं बनेगी बल्कि ये एनिमल पोल की तरफ बनेगी क्योंकि जो वेजिटल पोल है उसमें योग सेल्स मौजूद हैं तो योग की वजह से जो ब्लास्टोसील होगी ये टू वर्ड्स द एनिमल पोल की फॉर्मेशन होगी फिर वी हैव डायग्राम इसमें अगर आप देखें सबसे पहले स्टेप के ऊपर वी आर हैविंग फर्टिलाइज एग फ़र्टिलाइजर्ग की खास पहचान होती है ग्रे क्रिसेंट का बनना जो कि अन में ग्रे क्रिसेंट नहीं होता है उसके बाद अल्टीमेटली सेल डबी स्टार्ट हो जाएगी सेल डिवीन के बाद वी विल हैव अ बाल ऑफ सेल और ये बाल ऑफ सेल जो है ये अंदर से बिल्कुल सॉलिड होता है इसको हम इसको मोरूला कहेंगे देन अब मोरूला स्टेज के बाद जो सेल्स हैं ये अपने आप को अलाइन करेंगे और इनके दरमियान में एक कैिटी डिवेलप हो जाएगी यहाँ देख सकते हैं दिस कैविटी इट इज़ अ ब्लास्टोसील ये ब्लास्टोसील एक कैिटी की फार्म है और ये अगर आप डग्रामेटिकली देख सकते हैं कि जो ब्लास्टोसील के साइड वाले सेल ऊपर वाले सेल्स हैं वो स्मॉल साइज़ के हैं ये एक्चुअली एनिमल पोल के सेल्स हैं और ब्लास्टोसील के जो नीचे वाले सेल्स हैं ये लार्जर साइज के हैं ये एक्चुअली वेजिटल पोल वाले सेल्स हैं जहाँ योक मौजूद होता है और जो ब्लास्टोसील है ये बिल्कुल सेंटर में नहीं बनती बल्कि ये इट इज़ फार्म टू द एनिमल पोल उसके रीजन ऑलरेडी हम बता चुके हैं उसकी रीज़न ये है कि वेजल पोल में योग की वजह से जो होता है वो बलासोशी जो है एनिमल पोल की तरफ बनेगी